पहले हुई सगाई फिर तिलक। जब लड़की के दरवाजे पर पहुंची बारात तो हुआ कुछ ऐसा कि बाराती और सराती के उड़ गए होश। दूल्हा समेत बारातियों को बनाया लड़की वालों ने बंधक। नवगछिया नारायणपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जो सचमुच चौंका देने वाली है। यहाँ से एक बारात खगड़िया पहुंची थी, लेकिन दूल्हे के साथ पूरी बारात को बंदी बना लिया गया था। डांस मस्ती के साथ जब दुल्हन के घर के सामने भागलपुर नारायणपुर से बारात की टोली पहुंची, तो दुल्हन ने कुछ ऐसा किया कि भागलपुर नारायणपुर से पहुंची हुई बाराती और खगड़िया जहां बारात गई थी वहां के सराती सभी हैरान हो गए। पहले सगाई हुई फिर तिलक भी हुआ और वरमाला भी हुआ। जब लड़की के दरवाजे पर भागलपुर नारायणपुर से बारात पहुंची तो ऐसा कुछ हुआ कि बाराती और सराती के होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने भागलपुर जिला से गए दूल्हे समय बारातियों को बंधक बना लिया। गाजे बाजे के साथ दुल्हन के घर भागलपुर जिला से खगड़िया बारात पहुंची थी। वरमाला का रस्म भी हुआ। दुल्हन सुर्ख जोड़े में सजकर शादी की वेदी पर बैठने के लिए तैयार भी थी, लेकिन जैसे ही दूल्हा शादी करने विवाह मंडप पर जाने लगा तो दुल्हन ने शादी करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़का उसे पसंद नहीं है। लड़का मानसिक रूप से बीमार है। दुल्हन के इस फैसले से हर कोई हैरान हो गया। मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। लिहाजा रहीमपुर नया टोला खगड़िया के रहने वाली दुल्हन छोटी कुमारी की शादी भागलपुर के नारायणपुर के रहने वाले दुल्हा हितेश कुमार से नहीं हुई। इधर शादी नहीं होने के बाद तिलक में दिए गए गिफ्ट आइटम लौटाने को लेकर लड़की पक्ष ने दुल्हा समेत बारातियों को एक स्कूल भवन में बंधक बना लिया। मामला मुफस्सिल थाना इलाके के रहीमपुर नया टोला की है, लेकिन दुल्हन के इनकार करने के बाद शादी नहीं हो पाई। शादी का माहौल इस कदर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया कि दूल्हा समेत बारातियों को लड़की वालों ने बंधक बना लिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है और दोनों पक्षों में को समझाया बुझाया गया है। सामाजिक स्तर पर भी मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, तब जाकर किसी तरह बारातियों को छोड़ा गया। बाराती छूटते ही भागलपुर की ओर प्रस्थान कर गए।